फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है और 12:44 हो गया, इससे सवाल है कि मुझे जगाने क्यों नहीं आया। हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ, मैंने 6:20 का अलार्म लगा लिया, ठीक है, मुझे 7 बजे उठाना है। मैं उठ गया, फेस वॉश किया, आया और जैसे मैंने कपड़े लगा, मैंने कहा 20 मिनट बचे हैं अभी, तो 20 मिनट पहले कैसे जाके उठाऊँ 7 बजे। तो मैं जहाँ लेटा मैं नहीं उठ पाया। अभी हो गया 3:59, ये तीनों देखो पूल में जाने के लिए रेडी है। मैं फोटो शूट के लिए रेडी हो जाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी और चलिए अभी हम फोटोज क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज फोटो शूट में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। पहले तो भाई ने पानी की वीडियो बॉल इसमें मार दी तो पूरे पानी के निशान हो गए उसमें, और उस वक्त हवा इतनी चल रही थी कि पता नहीं कैसे फोटोज आई होंगे इतनी सी देर के लिए, इतनी मेहनत। शाम की चाय का वक्त हो गया और आज बने हैं पकौड़े। यहाँ पे भाभी चाय निकाल के दे रही हैं, पापा अपना होमवर्क कर रहे हैं और यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ। फ्रेंड्स ये लोग ने आज पूल में बहुत मस्ती की, नहा के आ गया, कह रहा मैं अपने कपड़े धोए भी हैं। गुड रिजा, सारा से दोस्ती हो गई और ये बोल रही है दोस्ती नहीं हुई, अरे हो गई थी फिर लड़ाई हो गई। हाथ मिलाओ, ईद मिलो, अल्लाह पाक तुम लोग सो गए। बताइए फ्रेंड्स ये कोई सोने का टाइम है? ये लोग भी सो गए, ना सुन रहे हो, सब बेखबर सो रहे हैं, सब थक गए पानी में नहाते। पूल में जाके इतनी नींद आती है, अच्छा मैं पूल में नहीं गई, कम से कम मैं जाग रही हूँ, फ्रेश तो हूँ। अम्मी का प्लाजो पहनी, अम्मी मुझे बार बार बताइए तुमने मेरा प्लाजो पहना। बच गया, अभी भी नहीं उठे वो लोग। देखो फ्रेंड्स ये इतनी रात में इस टाइम सो के उठ के आई है, गलत बात है। हम ऊपर आके तुम लोगों को देख के वीडियो में लेके तुम्हें सोते हुए चले गए। थकावट थी कि लेट गए, फिर 8:30 आँख खुली। 3 घंटे से सो रही हो? 3 घंटे से सो, अम्मी 3 घंटे से सो रही है। थक गए थे, बॉल फेंक भाई को मारा है कि थक गए। इसने इतनी बड़ी बड़ी, इधर आओ सबके सामने, कल इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और इसने कुछ नहीं करके दिखाया। ब्लॉग डाला, इंतजार होगा कि रेहान कल उठेगा या नहीं उठेगा। परसों ये तो इतना बड़ा वो क्या ढोंगी निकला, ढोंगी बाबा निकला, इसको तो एक आसन ही नहीं आता। इज्जत का सवाल है कि कर दो ना। इतनी बड़ी क्लास खोलने के लिए रेडी था, उसने तो कहा था कि मैं सबको सिखाऊंगा, आप सब मेरे स्टूडेंट आओ, एक आसन तो करके दिखाओ। तुम उठ के ऊपर चली जाती, आंटी सब हम लोग उठ जाते तो क्या करते? स्टार्ट किससे करते? यही ले लो, पकड़ो, उठाओ, ये ले लो उठा के। आवा लोगों के हिसाब से कुछ बता दो। डोगी बाबा को मार के लतिया, कुछ नहीं आता नहीं होती, हम लोगों को कहाँ से सिखाएगी ये बोलो। हम लोग एक पैर से भी खड़े हो जाएंगे लेकिन तुम पहले उठना, हम लोगों को सबको उठाना। अरे एक पैर तो टूटा है आपका। अरे अभी पैंट फट जाएगी। गुरु जी का ही पैर अटक गया। गुरु जी क्या कह रही है? जब जब गुरु जी की टांग टूट जाएगी तो चेला खुद ही बच पड़ेगा। इतनी दूरी चढ़ा के ऊपर लेके गए, उसके बाद तुम्हें टूटे पड़ेगा और मारेंगे। गुरु जी के दोनों हाथ पकड़ेंगे, अब मेरी इज्जत है, मैं रात भर जागूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कल मैं उठूंगा। सीख लेना। तो अभी हम लोग आ गए खाने की टेबल पे और आज डिनर में था चाइनीज मेन्यू और उसमें बना था पनीर और उसके बाद बना था फ्राइड राइस और था नूडल्स और जलेबी, ये दिन वाली थी। इधर देखो, रखो रखो, अम्मा खा ली जलेबी, बाहर जैसी माँ वैसी बेटी। मैंने अम्मा से कहा अम्मा जलेबी खाई, देखा तो हाथ में ली। फ्रेंड्स ये दिन में जलेबी खा चुकी थी, इस बार ये ना खाए, मैंने इनको कम से कम 2 मिनट ज्ञान दिया, अम्मी आप सोचो कि आपने जलेबी खा ली। चाहती थी कि ये जलेबी ना खाए तो अच्छा। मैं ये कह रही थी अम्मी आप सोच लो कि आपने 3 पीस खा ली, तो हाँ खा ली जलेबी। मन को ये कह दो कि मैंने अभी अभी 3 पीस जलेबी खाई, नहीं कैसे कर पाएगी सारे। जितने भी सालू के दोस्त सुन रहे हैं सुन लो सब लोग, सालू गरीब बिन खाए बोल दो, अब आप लोग नहीं सोच लो मन में। सर सर गलत है, क्यों सोचने से कभी जिंदगी में मन भरता है किसी का? सामने वो भी रखा है टोकर, नहीं खा दही बड़े, सोच लो। दही बड़े का पूरा करना है, सोच लो साली, तो देगी सालू से क्या करेगी। आज मैंने बहुत कम खाया, ये तो सबसे बड़ा झूठ था। बू 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 बू
तुम तीनों में से कभी किसी ने क्लास में ये सुना है किसी ने कि शार्पनर को रखते जाओ शार्प करके उसका कचरा फिर रबर बनती है? हमने हमारे बचपन में स्कूल के टाइम ये बहुत सुना है कि शार्पनर का कचरा रखते जाओ फिर इससे रबर बनती है, इसको पानी में डालो फिर उबालो, ये कर सुबह कर लेना, मत करना देखा। कभी दोस्त कभी दुश्मन। 12 बजने वाला फिल्म देखते रिजा सारा क्या करे, क्या कर रहे हो यहाँ पे? आती आ गई। अरे तुम लोग काफी देर से नहीं देख रहे थे और अभी ज्यादा लेट भी नहीं हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। ट्रायंगल से आगे बढ़ो, ट्रायंगल इतना बड़ा सबसे टफ माना जाता है ट्रायंगल। और एक क्या आता था यार, कुछ एक आता था यार ट्रायंगल के, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया अभी आगे चल के है वो तो, और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मजा आएगा, साइन कॉस टैन। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होता है, बहुत फन होता है करने में, अगर आपको एक बार कोई चीज समझ आ जाए ना तो फिर बहुत मजा आता है। इस साल तुमको है? हाँ। और तुम्हें? इसी साल है। फ्रेंड्स तो अभी हो गया नेक्स्ट डे, और चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं इनके रूम में आके बैठ गई हूँ, अम्मी वाले रूम में। यहाँ पे नाजिक खाना बेटी खाना भी बैठी हुई है, इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं पी रही हूँ गर्म पानी और नींबू। अम्मा यहाँ पे अपनी नमाज पढ़ के बैठी है, अम्मी अभी अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ, नहा के आ गई। अम्मी का आउटफिट अभी आपको दिखाती हूँ, पकड़ रहे हैं बैठो। बैठ जाऊंगी लेकिन मैं झूल नहीं पाऊंगी, सारा झुलाएगी ना, घर में लगवा देना ऐसे झूल। देख अरे ऊपर रखो ना, स्लो मारो, अरे हाँ मारो बीच में ये, अरे वार वार। केले किसने खा लिए सारे? तीन चार रखे हुए थे, फिर सारा को एक दिया लेकिन बाकी कहाँ गए? ब्रेकफास्ट के टाइम में फ्रेंड्स पराठे खत्म हो गए तो भाभी के लिए नए बनवा लो, फिर मैंने सोचा कौन बनवाए तो मैंने कहा वो ब्रेड खा लेती हूँ, ब्रेड तुम देख के आई, उन्होंने ज्यादा टोस्ट कर दिया तो वो पूरा जल गया, उन्होंने एक ही ब्रेड खाई और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि चलो केला रखा हुआ है वहाँ पे, मैं केला खाऊंगी, जाके देखो तो केला गायब, एक भी नहीं, नहीं दिल पे धक्का लगा है मेरे, और ये धक्का देने वाला इंसान मैं हूँ। दो तीन केले बचे थे, किसको तुझे भूख लग रही थी, दो खा गया। रेहान मेरे बहुत जान का दुश्मन बना है आजकल। नहीं केले तो अच्छे होते हैं तो मैंने सेहत के लिए खा लिए केले। जो पुलाव नहीं खा रहे अभी, आप नहीं खा रहे? बस। फ्रेंड्स आज खाने में है तवा पुलाव और पाव भाजी। फ्रेंड्स मुझे पाव भाजी इतनी ज्यादा नहीं पसंद तो मैं खा रही हूँ तवा पुलाव, बाकी सब लोग खा रहे हैं पाव भाजी। तो लंच जो है वो हो चुका है और आज खा रहा मेरी है डाइट को, कितने साल बाद तो शुगर हुई होगी 6-7 साल बाद ली है, वो भी तुमने कहा कि शुगर फ्री है तो हमने कहा ला दे रहे। तो फ्रेंड्स इसे ज्यादा नहीं पीना है, मतलब ये नहीं कि शुगर फ्री समझ के पीते जाओ, उन्होंने 6 सालों से नहीं पी है तो मैंने उनको 3-4 सिप दिया है क्योंकि उनको थोड़ा सा एसिडिटी टाइप लग रहा था, तो आप लोग ऐसे समझ के खूब सारी मत घटाघट पी जाना कि शुगर फ्री। ये लोग यहाँ पे खा रहे हैं कुल्फी, हंसना भी इंग्लिश में है ठीक है, इतना अब तो मतलब कोई बात ही नहीं करेगा इंग्लिश बोल दिया है तो। वी विल डू एट 4 o'clock, हु विल विन? आई, नो नो, मी, यू आर नॉट सो गुड इन मी बी चैलेंज, दे आर सो चाइल्डिश, दे डोंट नो आई एम देयर डैड इन चैलेंजेस, आई विल विन। I am thinking to go inside pool. Yesterday I didn't go. They were enjoying so much, but I was busy in my work. I should go now because tomorrow we are leaving from here. Tomorrow we are leaving from here, and I will regret. फिर मैं यहाँ पे फोटो शूट कर लेती हूँ, लेजी से मूड में रेडी होने का मन तो नहीं करता इस तरह के कपड़े पहनने का, लेकिन करना तो है ही, तो मैं रेडी होके आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स मेरा फोटो शूट जो है वो हो चुका है, ये लोग मुझे झुला रहे हैं बस। और अभी हम लोग पूल में जाएंगे, नहीं पूल स्लीट नहीं फ्रेंड्स, ये लोग बहुत शैतान है, आप लोगों को लगता है ना ये सीधे है, अभी अभी क्या कर रहे एक डंडे जितना। चलो अभी हम लोग फ्रेंड्स पूल में जाके आपसे मिलते हैं। क्या रिजा सारा का है? दिनों बाद अंगूर मिले मेरे फेवरेट, तो ख्याल रखती है तुम्हारा, थैंक यू बहुत रखती हो अम्मी की तरह। बस, बस ले लो ना। तो फ्रेंड्स इतना अच्छा पूल जाने से पहले ठंडा ठंडा खरबूजा मिल गया, तो जल परियां ये दोनों रेडी है जाने के लिए, ठंडा पानी है बहुत सच में, शालों पे सब आ जाएगी, पानी का मुआयना करेंगे ठंडा है। जहाँ से ठंड लगती है ना मैं भारती को याद कर लेती हूँ, वो लोग अर्जेंटीना में कहाँ गए थे और माइनस डिग्री में पानी में जाते थे। सारा स्विमिंग सीख रही है, चलो चलो, 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 चलो।
जा रहे हैं फोटो खींचने का। जाओ कल हम लोग ने तैर लिया था, घूम नहा लिया था। फोटो खींच के करना क्या ना, तुम लोग का इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, फेसबुक है। खालू को खुशी होती है, खालू को भेजना है और क्या। यहाँ पे मैं स्विमिंग सीखने की नाकाम कोशिश करती हूँ। इस बार मैंने सोचा था इस बार मैं सीख के ही जाऊंगी, व्लॉग में डालूंगी, मैं स्विमिंग सीख गई, हेडलाइंस बन जाएगी, और देखो क्या हुआ। पूल से निकल गए, हमने के साथ बुरा प्रैंक हो चुका है, रेहान के साथ भी हो चुका है। 6 बज रहा है और अभी पियेंगे चाय। फ्राइज और चाय पी के बैठ चुके हैं। रिजा फ्राइज खा रही है, रेहान यहाँ पे बैठा है। इस पे आज बहुत मजेदार प्रैंक हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मीने इतना रो लिया, आपने भाई के ब्लॉग में देखा ही होगा। रोने क्या लगी थी? तो वो यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। रो मत रेहान, रो नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार ब्लैक कॉफी पी है, कैसी लगी? बहुत कड़वा था। चारों लोग फोटो क्लिक करके आए और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और एक दूसरे को ऐसे तुम मुझे दो, तुम मुझे दो। सबकी मोबाइल में अलग अलग आई, सबकी वही नीयत लगी है। हाँ। तो हमारी तो हम तो मुझे फिर देखे आराम से। और फिर क्या करोगे, स्टेटस लगाओगे? स्टेटस लगाया। अम्मी लोगों का खत्म ही नहीं हो रहा है। हमारी फोटो तुम्हारे में, तुम्हारी फोटो हमारे में, मुझे फूल वाली भेज दो, मुझे ये भेज दो। पिछले आधे घंटे से हम लोग देख देख के बोर हो गए। मैंने कहा चलो सारा मुझे झूला झुला दो। ऐसे जाने के बाद ये झूला बहुत मिस करूंगी मैं। जाते जाते ना क्या करूंगी, अपने बालकनी में ऊपर सबसे पहले झूला लगवा लूंगी। आज यहाँ पे हमारी लास्ट नाइट थी, तो मुझे लग रहा था मैं बस झूले से उठूं ही ना। 8 बजने वाला है। फ्रेंड्स सब लोग रूम में ऐसे यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, और रिजा यहाँ पे प्रोजेक्ट का पीछा नहीं छोड़ रही है। कह रही है ये डब्बा रख लेना, मैं प्रोजेक्ट में यूज करूंगी। हाँ, साथ ही साथ प्रोजेक्ट में इस बार खाओ। उससे पूछो, पीछे बैठी है, उसने जल्दी फिनिश कर दिया। खाना खाएंगे अभी आधे घंटे से। और अभी यहाँ पे सबका डिनर हो रहा है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स चलो, हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ब्लॉग में करना। अच्छा चलो, इसको स्टार्टिंग कर दो। थोड़ा तो आएगा, नहीं आएगा इसमें। आएगा, खाओ पूरा, खाओ पूरा पूरा। अरे उसने खा लिया। इन्होंने हम लोग को आइडिया दे दिया है कि ऐसे रस में शायद इतना रिएक्शन ना आए, तो इतना नींबू दे देना है। रिएक्शन नहीं, 5 तक सारा काउंट करना। कैसे है, कहाँ से आए हो? देखो जिसको पेट वेट में नुकसान हो वो बोल देना, वो नहीं करना। तो वैसे भी पेट टाइट है। तो नींबू, नींबू खाना है ठीक है, मतलब गुटकना नहीं, चबाना है। पहला काम शुरू, आपको अंदर नहीं खाना, आपको सिर्फ चबाना है। भले नहीं चबाऊ तो सिर्फ रखना, नहीं नहीं, आपको पिछला हुआ बाहर निकालना है। चैलेंज ये नहीं है आपको चबाना है, चैलेंज तो अभी है बेटी खाला की बारी, और देखते हैं क्या होता है। हार जाओगे। ये क्या वो बना दिया? चबाओ। ये मुंह तो बन रहा है, आंखें आंसू भी आ रहे हैं। और चबाओ, देखो। मुझे लग रहा है नींबू खट्टे नहीं है भाई, नींबू खट्टे नहीं है, नींबू नींबू खट्टा नहीं है। पहले खा के देखो, दे सबको। एक एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड। नींबू खट्टा नहीं है, जैसा फोन लो, चल चल। मैं तो बस देख रही हूं। करो अंदर। हां ये बस आ गया। अच्छा तो चबाना, चूसना नहीं है, चबाना है पूरा दांत से। आओ चलो, यार तुम लोग कैसे खा ले रहे हो? चैलेंज आ गया रिएक्शन।
आ गया रिएक्शन। सारा ऊपर देखो, वॉमिट मत कर देना। ये आ गया रिएक्शन। आ गया रिएक्शन। पांच हो गए ना? नहीं। अरे आ गया रिएक्शन। दिखाओ कितना जवाब तो लिया। भाभी आप करोगे? खट्टा नहीं लगता, खट्टा बिल्कुल नहीं लगता, ठसका लगता। अच्छा, लेकिन आके रहेगा उसके पीछे निकाल ले। अच्छा बात नहीं है ये लोग। तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या हुआ? नींबू ही खट्टे नहीं है। अभी कैसा लगा? देखो अम्मी के लिए छोटा, नहीं छोटा वाला। हाँ सीधे से। इस वीडियो में तुम्हें सब इतना सुनाने वाले हैं ना शालू? हाँ। क्यों? क्यों? तो नींबू इतने महंगे और तुम यहाँ चैलेंज करके वेस्ट करवा रही हो। देखो वो वैसे भी सैलेड के लिए कट गए थे। हाँ। वो खराब ही हो गए। हाँ खाया है सबके। लेकिन फ्रेंड्स मतलब एक तरह से फ्लॉप ही हुआ। जिस तरह से हमने सबसे रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं मिला। वो मेरा ही आ गया। वो छोटे बच्चों की वीडियोस, मुझे लगा कि सब थोड़ा सा ऐसे करेंगे, कुछ तो करेंगे। ऐसे आराम से खा रहे थे जैसे कोई ऑरेंज खा रहे हो। थैंक यू बोलो कि मैंने तुम लोग को इतना अच्छा विटामिन डी का डोज दे दिया। अरे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। मेरा इतना फ्लॉप हो गया ये चैलेंज। दिखाना चबा होना चाहिए। अच्छे नहीं चबाया। तू तक तू तक ये तो अम्मी का गाना है। ये अम्मी का गाना, ये अम्मी गाएंगी। लल्ला लल्ला लोरी। कुछ गाने तो अब तुम लोगों को आ ही नहीं रहे तो लोरी सुना दो। ये गाना नहीं है, ये गाना नहीं है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह बिताया हमने अपना ये वेकेशन का लास्ट डे। और बहुत सारी अंताक्षरी खेली, उसका पूरा मस्ती आप भाभी के व्लॉग में देखेगा। अभी मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लव यू।